फ्रेंड्स, आज मैं पाव भाजी की भाजी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक गाजर, एक शिमला मिर्च, तीन आलू, आधा गोभी और थोड़े से मटर लिए हैं को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें जीरा डाल के इन सब्जियों को मैं भून लेती हूँ। पहले थोड़ा आलू डाल के पहले आलू को भून रही हूँ। बाकी सारी सब्जियाँ, फूलगोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सब डाल के मैं भून लूँगी। मटर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। और सबको मिलाकर मैं इनको प्रेशर कुकर कर दूँगी, दो सीटी आने दूँगी और बंद कर दूँगी और अपने प्रेशर में ही इसको ठंडा होने दूँगी। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला है हींग डाला, थोड़ा सा मिर्च, दो हरी मिर्च पतला पतला काट के भी भून रही हूँ। फिर दो प्याज हैं जो मैंने पतले पतले ग्रेटेड कर लिए हैं, वो भी डाल रही हूँ और इन सबको भून लेती हूँ। प्याज मेरा भून गया है। इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी मिला लेती हूँ प्याज के साथ ही। टमाटर को भी पतला पतला काट के इसको भी मिला रही हूँ। एक चम्मच नमक डाल के मिला लेती हूँ ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं और तेल छोड़ देता है। देखिए, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसमें हाफ स्पून में डाल रही हूँ हल्दी, दो चम्मच धनिया, दो चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला, आधी चम्मच और नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच देगी मिर्च, और इन सबको मिला लेती हूँ। देखिए, प्रेशर कुक में मेरी सब्जियां गल गई हैं। अब इनको मैं मैशर से मैश कर ले रही हूँ और सारी सब्जियां बहुत जल्दी मैश हो जाएंगी। मसाला मेरा सारा भुन गया है। इसी मसाले में मैं मैश की हुई सब्जियां इसमें डाल दूंगी। और इन सबको भी मिला लूँगी।
सब्जी मसाला सब मैश हो गया है, सब्जी मसाले में मिल गया है। इसमें मैं 50 ग्राम बटर और डाल रही हूँ, और बटर को भी इसके साथ मिक्स कर लूँगी। एक गिलास इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी के साथ इसको सारे मसाले को मिला लूँगी। और 5 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी। देखिए हमारी सब्जियाँ पानी के साथ बहुत मिक्स हो गई हैं। इसमें थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी भी ऊपर से डाल के इसको भी मिला लेती हूँ। भाजी मेरी बन गई है मोस्टली। मैं 50 ग्राम बटर और डाल के इसको अलग से गरम करके इसमें आधी चम्मच देगी मिर्च का तड़का लगाती हूँ। और इस तड़के को मैं अपने पाव भाजी मसाले के ऊपर डाल देती हूँ। देखिए हमारे पाव भाजी का कलर भी बहुत अच्छा हो गया है, और मेरी भाजी तैयार हो गई है। भाजी को मैंने प्लेट में सजाया है, पाव के साथ थोड़ा सा ओनियन रखा है, आधा नींबू, थोड़ा हरा धनिया की चटनी। इसके साथ सर्व कीजिए और टेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से बनाएंगे तो भाजी जल्दी बन जाएगी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।